Hello everyone. Today I will discuss you the chapter 35, Kant's philosophy, prognosis after observing the action of the remedy. ये जो chapter है prognosis after observing the action of the remedy, ये बहुत important chapter है. इसमें Dr. Kant ने different kind of observations के बारे में explain किया है. इस chapter में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है. ऑब्जर्वेशन, किसी भी पेशेंट को जब दवाई दी जाती है तो दवा देने के बाद फिजिशियन का सबसे पहला काम होता है कि जो भी दवा पेशेंट को दी गई है उस दवा से पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं या पेशेंट ने उस मेडिसिन के लिए किस तरीके से रिएक्ट किया है. ठीक है, दवा देने के बाद पेशेंट में क्या होगा, या तो उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या एग्जिस्टिंग सिम्टम्स पहले से ज्यादा हो जाएंगे, उसकी सफरिंग बढ़ जाएगी जिसको कि हम एग्रावेशन बोलते हैं, या उसके सिम्टम्स पहले से कम हो जाएंगे जिसको कि हम एमिलियोरेशन बोलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दवा ने काम ही नहीं किया, एज सच कंडीशन में पेशेंट वापस आपके पास 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या नेक्स्ट विजिट में आपके पास आता है. तो यही ऑब्जर्वेशन हमें करना है कि दवा देने के बाद पेशेंट में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, ताकि उसके बाद हम ये डिसाइड कर सके कि पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ठीक होने के रास्ते पे है या नहीं है, उसकी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा. इस तरीके के डिसीजन को लेने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है, और हर एक फिजिशियन की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी किसी भी मरीज को दवाई दी जाए तो दवा देने के बाद उस पेशेंट में किस तरीके के चेंजेस वो प्रोड्यूस कर रही है उसको नोट किया जाए, जिससे पेशेंट का फ्यूचर डिसाइड किया जा सके कि वो पेशेंट ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला है. पेशेंट के बेनिफिट के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में 3 तरीके के चेंजेस हमने देखे. अब यहाँ एमिलियोरेट हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो क्या बात बताएगा, ये बताया जा रहा है कि दवा देने के बाद अगर पेशेंट की सिचुएशन में आराम आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को एमिलियोरेशन हो रहा है, दवा बिल्कुल सही दी जा रही है. लेकिन कई बार पेशेंट की कंप्लेंट पहले से ज्यादा हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं एग्रावेशन. अब ये एग्रावेशन जो है वो भी 3 तरीके का होता है. एग्रावेशन 3 तरीके का होता है, एक होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, एक डिजीज एग्रावेशन होता है, और एक मेडिसिनल एग्रावेशन होता है. सिंपली इन शॉर्ट ये बताया जाए कि होम्योपैथिक एग्रावेशन में क्या होता है कि अगर प्रेजेंट पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, उसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी पहले से ज्यादा हो जाती है, स्टिल पेशेंट बोलेगा कि सिम्टम्स तो बढ़ रहे हैं, तकलीफ तो बढ़ रही है, लेकिन मेरे को अच्छा फील हो रहा है, आई फील बेटर, दैट इज होम्योपैथिक एग्रावेशन, जिसमें पेशेंट इंटरनली बेटर फील करता है. लेकिन अगर पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ती चली जा रही है और पेशेंट की सफरिंग बढ़ रही है, तो यहाँ या तो मेडिसिनल एग्रावेशन होगा या डिजीज एग्रावेशन होगा. अब यहाँ हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. मेडिसिनल एग्रावेशन में क्या होता है कि जो नए सिम्टम्स पेशेंट में दवा देने के बाद आते हैं, ये वो सिम्टम होते हैं जो पेशेंट ने अपनी पहली पास्ट हिस्ट्री में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इस तरीके की सफरिंग उसको पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन ये वो सिम्टम पेशेंट हमें बताएगा जो कि मेडिसिन के रिगार्डिंग मेडिसिन से रिलेटेड है, और हमने हमारी मटेरियल मेडिका में उस मेडिसिन की जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो हमें वहां पर प्रेजेंट है वहां से हमें ये मैच कर रहे हैं. तो ये वो सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, लेकिन अभी वो नए वो सिम्टम बता रहा है, दैट इज मेडिसिनल एग्रावेशन. और डिजीज एग्रावेशन में क्या होता है, डिजीज जो होती है वो वर्स कंडीशन में चली जाती है, अपनी स्टेज लोअर से अपनी स्टेज वाइज स्टेज ग्रोथ करती चली जाती है, पेशेंट में उस डिजीज की पैथोलॉजी जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, दैट इज द डिजीज एग्रावेशन. अब जब पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की तकलीफ बढ़ रही है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो हमें ये एक्सप्लेन कर, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि जो एग्रावेशन है वो होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहा है, डिजीज एग्रावेशन हो रहा है, या मेडिसिनल एग्रावेशन हो रहा है. यदि पेशेंट में होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है तो इट इज अ गुड साइन फॉर अ पेशेंट एज वेल एज फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो. जब भी कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन मरीज को दवा देता है, तो जब भी होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है तो उसे बड़ा गुड फीलिंग होती है कि ठीक है, मैंने पेशेंट को बहुत सही दवाई दी है और पेशेंट को जरूर से जरूर आराम मिल जाएगा. तो ये बहुत जानना जरूरी है कि जो पेशेंट एग्रावेशन बता रहा है वो डिजीज एग्रावेशन हो रहा है, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहा है, और या फिर वो मेडिसिनल एग्रावेशन हो रहा है. ठीक है, इसके बेस पे हम अपना नेक्स्ट एक्शन जो होता है
वो डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को अब हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए आफ्टर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. अब पहली ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टर केंट ने बताई है वो है अ प्रोलोंग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट. ऐसा क्या हुआ, एक केस इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में जिसमें बताया है कि एक पेशेंट जो है क्लिनिक पे आता है, उसकी कंप्लेंट है काफी सालों से उसको हैकिंग कफ की कंप्लेंट हो रही है, उसको खांसी आती है, ड्राई कफ है, देखने में बिल्कुल पतला दुबला, ठीक है, वीक स्टूप्ड शोल्डर पेशेंट हमें दिखता है, बिल्कुल एमिशिएटेड है, कोवार्डनेस उसमें है, कमजोर है. देखने के बाद जब उसका पेशेंट की कंप्लेन हमने सुनी, पेशेंट ने फिजिशियन ने सुनी और उसका फिजिकल अपीरियंस देखा, तो उसके दिमाग में एक एंटीसोरिक रेमेडी आई. उसके बाद उस पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया. फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जब उसका चेस्ट एग्जामिनेशन किया गया तो उसमें देखा गया कि जो पेशेंट के लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंशन उनमें नहीं हो पा रहा है. वाइल ब्रीदिंग सांस लेता है तो उसके फेफड़े जितने फैलने चाहिए उतनी कैपेसिटी में नहीं फैल पाते. इसका मतलब यहाँ डायग्नोसिस हुआ कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस. अब ऐसी सिचुएशन में एक एंटीसोरिक रेमेडी दिमाग में आई फिजिशियन के और हायर पोटेंसी में उस पेशेंट को दे दी गई. अब दवा देने के बाद ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ. ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला, जब 3-4 दिन बाद पेशेंट वापस आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो खांसी थी वो पहले से ज्यादा हो गई है, मेरी तकलीफ पहले से ज्यादा बढ़ गई है. अभी यहाँ डॉक्टर सोचेगा कि ये जो एग्रावेशन है वो होम्योपैथिक एग्रावेशन हो सकता है. तो ठीक है, अब होम्योपैथिक एग्रावेशन अगर देखने को मिलता है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा, वो किसी तरीके का चेंज नहीं करेगा प्रिस्क्रिप्शन में, सेम प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर दिया जाएगा. एक हफ्ता निकलेगा, उसके बाद फिर पेशेंट सेम बात बोलेगा कि मेरी जो तकलीफ है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है, रात में पसीना आने लग जाता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, खांसी बढ़ गई है, थोड़ा थोड़ा कफ भी आने लगा है. इसका मतलब अभी यहाँ पर सेम वही चीज है कि उसकी जो कंडीशन है उसके जो सिम्टम्स है वो एग्रावेट कर रहे हैं. ठीक है, अब एग्रावेशन कर रहा है तो फिर वही, क्योंकि वेट एंड वॉच करना है. वेट एंड वॉच करने के बाद देखा गया कि अगर एग्रावेशन है तो ठीक है, होम्योपैथिक एग्रावेशन हो सकता है, तो सेम दवाई सेम प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर दिया गया. इस तरीके से जब बार बार ये 2-3 बार किया गया तो एट द एंड ऑफ 4th वीक जब पेशेंट वापस डॉक्टर के पास आता है और फाइनली वो इतना अनेबल है कि वो क्लिनिक पे भी नहीं आ सकता है और आता है तो क्या कहता है, डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता, दवा लेने के बाद मेरी सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो गई है. तो यहाँ इस केस में पहली ऑब्जर्वेशन देखने को मिली. ये केस हमें क्या बताता है कि ये जो दवा देने के बाद ये जो पेशेंट है उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस डेवलप्ड हो गए हैं, उसमें डिजीज एग्रावेट करती चली जा रही है. क्यों करी गई है, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी पेशेंट को दे दी गई है, हायर पोटेंसी में दे दी गई है. तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, देखो प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट. डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि इरिवर्सिबल चेंजेस पेशेंट में डेवलप होने लग गए हैं, एग्रावेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि पैथोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और पेशेंट डिक्लाइन फेज की तरफ चला जाता है, वीक और वीक हो जाता है और इतना वीक हो जाता है कि उसकी वाइटलिटी मेडिसिन के लिए किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती है. तो ऐसी सिचुएशन में क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एंटीसोरिक रेमेडी दी गई, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी दी गई और हायर पोटेंसी अप्रोच की गई. तो डॉक्टर कैंट कहते हैं कि अगर इस तरीके के केसेस हमारे पास देखने को मिलते हैं जिसमें कि इरिवर्सिबल पैथोलॉजी क्रिएट हो चुकी है तो क्या ऐसे केसेस को हमें नहीं लेना चाहिए एज अ होम्योपैथ? नहीं, हम बिल्कुल इस तरीके के केसेस को डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में क्योंकि इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके होते हैं तो प्रोग्नोसिस नो डाउट वेरी बैड होगा, लेकिन हम उसको क्योर ना देते हुए रिकवरी तो प्रोवाइड करा सकते हैं. तो रिकवरी देने के लिए पेशेंट को हमेशा लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना है और एंटीसोरिक रेमेडी जो डीप एक्टिंग रेमेडी है वो प्रिस्क्राइब नहीं करनी है. सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम पेशेंट देता है उस सिम्टम्स के बेस पे लोअर पोटेंसी अप्रोच करनी चाहिए. तो ये हुई पहली ऑब्जर्वेशन, अ प्रोलोंग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट. प्रोलोंग्ड एग्रावेशन होते होते डिक्लाइन की तरफ पेशेंट इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस हायर लेवल की पैथोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है और इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि उसका रिवर्स क्योर की तरफ आना पॉसिबल नहीं है. इसलिए ऐसे केसेस में इन्होंने
पहली ऑब्जर्वेशन दी और इन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में हमेशा 30th और 200 इज द सेफेस्ट पोटेंसी, चाहे ऑर्गेनिक लेवल पे डैमेज हुआ हो या इरिवर्सिबल पैथोलॉजी क्रिएट हो गई हो, तो ऐसे केसेस में लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।